जयराम जी की भैया क्या हाल चाल हैं। तो यार 2 महीने भाई साहब लॉकडाउन का वनवास काटने के बाद और अपने हाथों में फाइजर लगवाने के बाद और फुल्ली वैक्सीनेटेड होकर हम आ चुके हैं नमाडगी नेशनल पार्क। और जैसा कि आप देख सकते हैं बरूम्बा रॉक्स की तरफ आज प्लान है चलने का। 2.5 किलोमीटर का रिटर्न है, 1.5 घंटे की जर्नी है। ग्रेड 4 मतलब सेकेंड टफेस्ट एज पर ऑस्ट्रेलियन नॉर्म्स ये वॉक रहेगी क्योंकि टोटल 5 ग्रेड हैं। और क्या बात है, मतलब जूता साफ करने की भी भव्य व्यवस्था हो रखी है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो चलिए भाई साहब शुरू करते हैं आज का सफरनामा और घुमा के लाते हैं आपको बरूम्बा रॉक्स। और सुना है बहुत बढ़िया और बहुत अमेजिंग वहाँ से व्यू है, तो चलिए देख के आते हैं। तो यार भाई बरूम्बा रॉक की तरफ बढ़ रहे हैं भाई। बहुत दुर्गम रास्ता है जैसा कि आप देख सकते हैं, ऐसे पत्थर हैं और ऊपर करके सामने आप देख सकते हैं बरूम्बा रॉक्स पेड़ों के पीछे, तो वहीं पे जाना है। बहुत ही बढ़िया है, आप अगर अपनी स्क्रीन पर देखिए तो बुश फायर की वजह से काफ़ी जला भी हुआ है, बट प्रकृति अपने आप को वापस हील कर रही है, विच इज़ रियली रियली गुड। और रास्ता जैसा मैंने आपको बोला काफ़ी कठिन है, तो आराम से चलिएगा भाई, सांसें फूल गई हैं यार। तो चल रहे भाई ऊपर आपको पहुंच के दिखाते हैं, बहुत ही बढ़िया व्यू है, सुना है बहुत ही लल्लन टॉप नज़ारा है, तो चलिए देख के आते हैं। तो भैया 200-300 मीटर का रास्ता और बचा हुआ है और कहने को तो यार 3 किलोमीटर का रिटर्न है, पर भाई साहब ग्रेड 4 ने ना सीरियस फिटनेस गोल्स दे दिए लाइफ में। मतलब अब तो फिटबिट भी कह रही है कि क्या बात है प्रभु, 2 ही घंटे में आज तो अपने टारगेट पूरा कर लिया है। तो यार आप मेरे पीछे जो रास्ता देख सकते हैं, बस ये जो है यहाँ पे ट्रेल एंड होती है और ये रॉक्स हैं, थोड़ा सा हार्ड है चढ़ना क्योंकि यहाँ पे स्टेप्स नहीं बने हुए, तो ये चढ़ के आपको ऊपर आना है और उसके बाद तो भाई मतलब व्यू ही अलग है। तो भैया इस वक्त हम हैं बरूम्बा रॉक्स के ऊपर और भाई मतलब जो हाइक में मज़ा आ गया ना, एकदम फील अलग ही है। और इतना जब आप मेहनत करके ऊपर आते हैं, कहीं भी ऊपर आए, चाहे करियर में आए, चाहे सफरनामा में आए या घूमने में आए, तो उसकी अलग ही फीलिंग है। और जैसा कि मैं आपको पीछे अगर व्यू दिखा सकूँ तो भाई बहुत ही बढ़िया व्यू है, पूरी की पूरी ब्रिंडाबेला रेंज है, सामने कैनबरा भी हमारा दिख रहा है, टेलस्ट्रा टावर भी दिख रहा है, खैर कैमरे पे नहीं दिख पाएगा क्योंकि बहुत पेंसिल के बराबर है। और जैसा कि आप देख सकते हैं सामने रॉक्स, यहाँ पे बहुत बढ़िया फॉर्मेशन है और आज वेदर भी काफ़ी सनी है, तो अपने आप में भाई भगवान की मेहर है, माता रानी की कृपा है, अल्लाह ताला की दुआ है और बहुत बढ़िया जगह है। तो ज़रूर आइएगा अगर आप ACT में हैं, हाईली रिकमेंड करूँगा आपको यहाँ पर। तो भैया आज का सफरनामा यहीं तक और उम्मीद करता हूँ यार आपको बरूम्बा रॉक्स जो है वो पसंद आया होगा। भाई साहब इतनी बढ़िया जगह थी ना, मतलब ACD में 4 चांद लगा दिए उस व्यू ने। तो अपना ख्याल रखो, खुश रहो, सुरक्षित रहो और सबसे इम्पोर्टेंट बात, फुल्ली वैक्सीनेट हो जाओ भाई, बहुत ज़्यादा जरूरी है। और जल्दी से चीज़ें नॉर्मल हो तो आपको और बढ़िया बढ़िया जगह घुमाई जाए। तब तक अपना ख्याल रखो, बहुत जल्दी मिलेंगे अगले सफरनामा पर।